हमने सेफ सिटी की बात हमने सुना था दो साल तीन साल पहले, चार साल हो गए मेरे ख्याल में, कि कराची को सेफ सिटी बनाया जाएगा। अब वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो कैमराज हमारे, देखिए दुनिया भर में टेक्नोलॉजी से आप कंट्रोल करते हैं क्राइम, टेक्नोलॉजी से प्रिवेंट करते हैं क्राइम को। हमारे शहर के अंदर जो कैमराज लगे थे शुरू में, मैं एडवाइजर भी रह चुका हूं गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट में, तो मुश्किल से मेरे ख्याल में 2,500 कैमरा लगे थे। अब वो इतने बड़े शहर के अंदर आप समझते हैं कि 2,500 या 3,000 कैमरा से काम चलेगा? फिर इन्होंने कहा जी तादाद हम बढ़ा रहे हैं, तो अब अभी इस वक्त जो तादाद है हो सकता है कि 10,000-12,000 करीब होगी, ये ना काफी है। और इसमें से भी अगर आप देखेंगे कि कितने कैमराज काम कर रहे हैं, अगर आप जाके देखेंगे उनके 50% से ज्यादा कैमराज काम नहीं कर रहे हैं। तो कैमरा की कैपेसिटी और फिर उसका उसके ऊपर काम करना, देखिए ये पूरी एक साइंस है। ये इसके अंदर आपका जो कंट्रोल रूम है वो आपको साइंटिफिक लाइंस में होना चाहिए कि जो कैमरा नेटवर्किंग हो, कैमरा से अगर आप शहर को देख रहे हैं तो फिर उसमें आप मूवमेंट जो है कोई ऐसी मूवमेंट देखते हैं जिसमें गाड़ियां जो हॉटस्पॉट्स हैं, हम सीपीएलसी के वाले से बात करते हैं कि वहां पर वो आपको आप पुलिस के साथ शेयर करते हैं कि ये गाड़ियों का ये हॉटस्पॉट है, यहां से ये गाड़ियां जाती हैं, ये मोटरसाइकिल का एरिया है जहां से ज्यादा मोटरसाइकिल जाती हैं। इवन आपकी जो मोबाइल फोन्स जो है जो कि 100% रिपोर्टिंग नहीं होती, मुश्किल से 20-25% रिपोर्टिंग होती है, मगर उसके ऊपर भी आपको पता चलता है कौन से एरियाज हैं जहां से मोबाइल चोरी हो रही है। तो जैसे जैसे हॉटस्पॉट्स के ऊपर अगर आप अपनी पुलिसिंग को लगाएंगे तो आपको कामयाबी होगी, उसी हिसाब से आप कैमराज लगाएंगे तो आपको कामयाबी होगी। तो ये सारा काम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है, मगर हम सॉरी टू से ये चीजें हमें नजर नहीं आती हैं। जब यहां पर कोई बेचारा मासूम आदमी कोई वो मारा जाता है क्राइम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो फिर मीडिया भी इसको उछालता है, फिर हम पब्लिक भी एक बहुत बड़ा शोर मचता है और उसके ऊपर फिर हम बात करना शुरू करते हैं, मगर ऑन ग्राउंड के भाई आप उस पर हो क्या रहा है, कानून साजी कितनी हुई है और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन को कितना स्ट्रांग किया गया है, फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ाई गई हैं, साइंटिफिक लाइंस पे किस तरह कितना लाया गया है, ये सब चीजें देखने की जरूरत है। और पुलिस की नफरी सर, के साथ साथ ये करेगा कौन? देखिए ये तो गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ये उसकी जिम्मेदारी है। तो हम जब बात तो करेंगे ना, जरा आप जब ये सवाल करते हैं तो हम इस बात के इसके ऊपर हम ये बात करते हैं और गवर्नमेंट जाहिर है सुन भी रही होती है, तो इनके ऊपर वॉर फुटिंग्स पे काम करने की जरूरत है। अब वो टाइम आ गया है कि अब आप बैठ नहीं सकते हैं, बहुत अरसा हो गया हमने शहर को, पहले हमने क्राइम के हवाले से सीरियस क्राइम को कंट्रोल किया, मगर स्ट्रीट क्राइम इकोनॉमिक कंडीशन से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिस तरह हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तो ये क्राइम तो बढ़ता रहेगा ये।